संविधान के महत्व को, उसकी आवश्यकता को, उसकी जरूरत को बताया। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी को ये बेड़ा उठाना पड़ा। जैसा भी बताया गया कि 26 जनवरी को उन्होंने देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों को, बुद्धिजीवियों को, सबको जमा किया मुंबई में और संविधान को बचाने का एक संकल्प लिया और एक अभियान छेड़ा। आज जो ये बैठक हो रही है, आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। संविधान किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, वो उसकी आत्मा होती है, वो उसकी रूह होती है। और जब आत्मा पर आघात होता है, हमले होते हैं, तो उससे पूरे शरीर को नुकसान होता है। हमारे संविधान की रचना कैसे हुई हम सब जानते हैं। हमारे देश की आजादी की लड़ाई के दौरान जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस दौरान में जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई की अगुवाई की, उन सब ने मिलकर सामूहिक चिंतन करके, विचार करके देश के तमाम पहलुओं को देखते हुए उन्होंने हमारे संविधान की रचना की। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उसका मसौदा तैयार किया और महीनों उस पर चर्चा हुई, चिंतन, तब जाकर हमारा संविधान बना। उस संविधान को बनाने के पीछे उन महान लोगों का उद्देश्य ही था कि कैसे देश को एकजुट रखा जाए, कैसे देश को एक साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे देश की जो बनावट थी, उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग बरादरी, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, संस्कार, तहजीब, बहुत सारी विभिन्नताएं थी, और उन तमाम विभिन्नताओं को एक साथ जोड़कर लेकर चलना, उस समय जो हमारे चिंतन देश की आजादी की लड़ाई क्या हुआ थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से देश को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। जैसा लोगों ने कहा कि हमारे देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कोई ऐसा धर्म दुनिया का नहीं होगा जो हमारे देश में नहीं, सभी धर्म के मानने वाले हमारे देश में रहते हैं। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हम जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, इतनी विभिन्नताएं हैं। कहा जाता है कि हर दो कोस पर हमारी भाषा बदल जाती है। तो ऐसे देश को एक साथ लेकर चलना ये बहुत मुश्किल था। गांधी जी ने हमें सिखाया, सर्वधर्म संभाव का एक ऐसा नुस्खा दिया कि इसी रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को एक रख सकते हैं। सर्वधर्म संभाव का मतलब हर धर्म के लिए सम्मान, हर मजहब के लिए इज्जत, यही हमारा, हमें गांधी जी ने सिखाया, यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया।
आज उस पर आघात हो रहा है, आज उस पर हमले हो रहे हैं। उस जो बुनियादी हमारी शिक्षा है उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस 56 इंच के सीना के साथ साथ एक विशाल हृदय भी चाहिए, एक बड़ा दिल भी चाहिए जिसमें सबको समाया जा सके, जिसमें सबको समेटा जा सके। एक ऐसे हृदय की जरूरत होती है। अगर इस देश का देश को चलाना है तो वो विशाल हृदय से चलेगा, सिर्फ 56 इंच के सीने से नहीं चलेगा। इसलिए आज जब हम देख रहे हैं कि देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, एक डर और खौफ का माहौल है, समाज का कोई समूह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। अपनी बात कहने में हर आदमी डरता है कि कल उसका क्या हशर है। एक डर और खौफ का माहौल पूरे देश में छाया हुआ है और ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी और बलिदान के बाद इस मुल्क को आजाद कराया। एक आजाद भारत हमारे हाथ में सौंप कर वो गए और उसको बचाकर और उसको संवारने का काम ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर उन्होंने ये दायित्व सौंपा है, उसको निभाने का काम हम सबको करना है। इसलिए बहनों आपकी भी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इस देश की आधी आबादी का आपकी है और आप जब इस देश की आबादी को का हिस्सा है तो आपका भी उतना ही फर्ज है जितना किसी और का है।